हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम पे। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे। हाँ, थोड़ा सा आज नाराज हूँ मुझसे, क्योंकि आज मैं लेट हो गई क्लास लेने में। ठीक है, इसे ये कह सकते हो कि आज आज ऐसा हुआ कि पता नहीं कल थोड़ी देर में ठीक से नहीं थी, तो मैं सो गई थी जल्दी, मतलब तुम्हारी क्लास लेने के बाद। उसके बाद मेरी आँख ही नहीं खुली और मेरी आँख थोड़ी लेट खुली। टीचर को हमेशा सत्य बोल देना चाहिए, जो भी चीज़ है, जो भी बात है, वो बिल्कुल सत्य है कि मैं मेडिसिन लेके सोई थी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा नींद आ गई ज़्यादा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। करें सेशन की शुरुआत। चलिए सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे, उसके बाद जो भी बात है वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद आपको बता देंगे कि आपको ये जो पीडीएफ वगैरह है वो कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहला ले लीजिएगा अमित कुमार बेटा, टाइम पे रोज क्लास होती है आपकी, रोज 9 बजे होती है, और अगर ये कैंसिल हो जाती फिर बताओ क्या होता। टाइम पे होती है ना रोज क्लास। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैटल ब्रीड प्रोड्यूस हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी की नस्ल सबसे अधिक मात्रा में दूध पैदा करती है? ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, डच बेल्टेड या ब्लैक कॉप। मैं साइड हो गई हूं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट से बताइए। कितनी देर लगा, ऐसे टीचर उठ के थोड़ा ना आ जाएगा, थोड़ा फ्रेश अप होके आता है। 10:30 से इंतजार कर रहे हो, उड़ी बाबा। कभी कभी मेडिसिन का असर ज्यादा हो जाता है। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं, लेकिन इस क्लास में तुक्का लगा रहे हो। एक बच्चे ने बोला चेतन ने मेरे क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप दोगे कब? एक सेकंड, उनका मैसेज भी पढ़ेंगे हम पूरा। बच्चों इसका राइट आंसर होलस्टीन। होलस्टीन नाम की जो गाय होती है, मवेशी जो गाय होती है, वो सबसे ज्यादा दूध पैदा करती है। वो क्या करती है? सबसे ज्यादा दूध पैदा करती है। हालांकि ये भी अलग अलग क्या कहते हैं, दूध की मतलब दूध देने वाली गाय की अलग अलग क्या है, अलग अलग क्वालिटी है। जैसे अपने यहाँ पे होते हैं साहीवाल, राजस्थान में कुछ और होती है, अमरीकन, इसी तरह से अलग अलग प्रकार की वो है, ठीक है? अब दूसरी बात, ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है और ये लगभग हर साल 32,740 लीटर दूध देती है हर साल। मतलब लगभग ये मान के चलो कि आराम से 50-60 किलो दूध दे देती होगी ये, ठीक है, एक दिन में। ही इज नोन एज द, या उससे ज्यादा, ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वह एक हरित क्रांति वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सारे बच्चे एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है? एक बच्चे ने पूछा मैम मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए प्लीज, एक महिला की ओविडक्ट की ट्यूबोमी कर दी गई जाए तो उसे पीरियड्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा एक हार्मोनल चेंज आएगा, ठीक है चेतन? थोड़ा सा हार्मोनल चेंज तो आएगा, पर ऐसे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा खास। जैसे बताइएगा बच्चों, ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कौन है आप सभी को पता है, उसमें थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस तो आएंगे अगर आप कुछ चेंज करोगे, पर ज्यादा नहीं, इट्स नॉर्मल। जैसे बताइए कौन थे ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता? इधर हो जाती हूँ, एपीजे कलाम। आप सबको पता है एपीजे कलाम को तो हम रॉकेट मैन बोलते, तो सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है? एमएस स्वामीनाथन। बच्चों एमएस स्वामीनाथन जो थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट थे। ऐसा उन्हें क्यों कहा जाता है, आइए देखिए। ये है स्वामीनाथन, ठीक है, ये है स्वामीनाथन। तो इनको ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट कहा जाता है। इन्होंने लगभग 25 नेशनल अवार्ड जीते हुए हैं, 30 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हुए हैं। 1999 की मैगजीन में इनका नाम आया था और पूरी एशिया इनसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, ठीक है? और बहुत ही सारे इन्होंने अवार्ड जीते हुए हैं। दूसरी बात है ये वेल नॉन जेनेटिक्स इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है इन्हें। तो ये देखिए, स्वामीनाथन हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन फॉर हिज रोल इन द इंट्रोड्यूसिंग एंड फर्दर डेवलपमेंट हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो बच्चों हमारे जो देश में
गेहूं की अलग अलग वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाना, जैसे आपने सपोज करो कोई गेहूं को बोता है, उगाता है, हमारे यहाँ बोना शब्द इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को बोना, तो सपोज करो कोई इंसान गेहूं को उगाता है तो वो बीज लेके आता है, ठीक है, तो बीज जो होगा वो अलग अलग तरह के बीज, भाई कोई मोटा बीज, कोई पतला बीज, कोई कैसा बीज, ठीक है, कोई हल्का बीज, जैसे गन्ने के भी अलग अलग बीज होते हैं, भाई एक गन्ना ऐसा होता है जो सिर्फ भारी होता है, गन्ना ऐसा होता है जिसके अंदर रस होता है, गन्ना होता है सॉफ्ट होता है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपके एम एस स्वामीनाथन ने काम किया था, जिसकी वजह से इनको क्या बोला गया, आर्किटेक्ट बोला गया, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का, किसमें, हमारे इंडिया में, ठीक है। और दूसरी बात है, आर्किटेक्ट के अलावा इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, पिता भी बोला जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ याद रखना कि ये पिता बोले जाते हैं हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, भारतीय ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता एम एस स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच अमोंग द फॉलोइंग ऑयल हैज द मैक्सिमम प्रोटीन, इनमें से ऐसा कौन सा तेल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। लड़कों को तो सबसे पहले जवाब देना चाहिए, क्योंकि दाढ़ी के लिए आप इस तरह का तेल इस्तेमाल करते हो, सारे बच्चे जल्दी से एक बार UHU का जवाब बेटा वहीं दिया जाएगा, मैम यूपीएससी की तैयारी करनी है 12 के बाद क्या करें। आदित्य, अगर आपको 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी है तो बुक्स गुरुजी पे मेरी एक वीडियो पढ़ी है जिसमें मैंने किताबें बताई हुई है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो और टेस्ट पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दो। देखो पहले टेस्ट पेपर देखो, कुछ नहीं भी आता तो भी टेस्ट पेपर देखो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सोयाबीन बोला, बिल्कुल मैं मानती हूँ बच्चों, अगर आप खाने की बात करते हो, खाने की बात करते हो तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और अगर आप किसी बात कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो खाने की बात, अगर आप कर रहे हो फूड की बात, किसकी बात कर रहे हो, फूड की बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तेल की बात, तो आप सभी को पता है दाढ़ी उगाने के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और दाढ़ी में क्या होता है, बाल होते हैं, बालों को क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो बच्चों अगर आप लोग कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हो, अरंडी के तेल का इस्तेमाल करते हो, तो बच्चों आपके जो ये दाढ़ी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उगती है, लेकिन ये तेल बहुत महंगा होता है, ठीक है, ये तेल जो है बहुत महंगा होता है, नंबर वन बात, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी के अंदर होता है। और आप सबने सी बोला, सोयाबीन का तेल की बात नहीं कर रहे, सोयाबीन जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें प्रोटीन गलत होता है। अजय बोल रहा है सेकंड का आपने गलत बताया, बेटा ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है। तो एक बच्चा बोल रहा है आपने सेकंड का गलत बताया, बेटा आप लोगों के सामने है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है स्वामीनाथन, और क्या अलग से बताऊं बेटा, चेक कर लिया करो एक बार। हाँ एक आधी बार ऐसा हो जाता है कि हमारी तरफ से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं बेटा आज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में अरंडी का तेल कुछ इस तरह का होता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिन लोगों को बालों की, बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पूछते हैं कि मैम अगर हमारे बाल झड़ रहे हो तो हमें किस तरह का, मतलब क्या करना चाहिए। तो आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो अरंडी का तेल जो होता है, कैस्टर ऑयल जो होता है, जो लोग लड़के दाढ़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो बहुत फायदेमंद होता है। और आपको बता दें KGF मूवी के बाद, KGF मूवी जो KGF में हीरो है, उनकी दाढ़ी के बाद तो हमारे इंडिया में एक ट्रेंड चल गया था दाढ़ी रखने का, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। द यूजेज ऑफ हनी, ठीक है, शहद का उपयोग, शहद का उपयोग किस लिए किया जाता है, बहुत ही आसान आंसर है, बहुत ही आसान आंसर है, शहद का उपयोग किस लिए किया जाता है, फटाफट से बताइए, शहद का उपयोग किस लिए किया जाता है। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, शहद का उपयोग किस लिए किया जाता है। वैसे टीचर को हमेशा तत्पर और समय से आना चाहिए, पर कभी कभी उसके साथ ऐसा इत्तफाक हो जाता है। बच्चों इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। द यूजेस ऑफ हनी, ठीक है, हनी का उपयोग मेकिंग मेडिसिन, भाई दवाई बनाने के लिए, वैक्स बनाने के लिए,
या फिर वैक्स जो लगा के और बाल फाड़ते हैं, ठीक है, जनरेटिंग मनी, सीधी सी बात है पैसा कमाने के लिए भी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबाउ। मैम ये कैसा क्वेश्चन है, हम लोग तो साइंस पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसीलिए रखा गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अगर कहीं पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक पोषण है, तो वो किस में होता है, फंगी में होता है, कवक में होता है, प्लांट पौधों में होता है, कुछ जो है प्रोटिस्ट और प्रीक्रियोट्स में होता है, जल्दी से बताइए किस में होता है, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए किस में होता है, फटाफट से बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर, इसका राइट आंसर है बी एंड सी। क्यों, देखो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जो खुद खाना बनाए, जो खुद खाना बनाता है, मेक ऑन फूड। और आप सभी को पता है फंगस तो जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से मान के चलो दूसरों पे डिपेंडेंट है, कहते तू खाना बना दे मैं तुझे पानी दे दूंगा, तो फंगस तो ऐसा करता है कि तू खाना बना दे मैं तुझे पानी दे दूंगा। एल्गी को क्या कहता है, फंगस सवाल को क्या कहता है, कहते तू खाना बना दे मैं तुझे पानी दे दूंगा, तो ये खुद खाना नहीं बनाता, तो प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं, और आपके कुछ प्रोटिस्ट और साथ में प्रीक्रियोट्स लाइक एल्गी वगैरह जो ये होते हैं आपके शैवाल वगैरह ये होते हैं, आपका जो खाना होता है आपका खाना नहीं, खुद का खाना अपने आप बनाते हैं, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका डी, जितने भी प्रीक्रियोट्स होते हैं लाइक प्लांट्स वगैरह जो और आते हैं उसके अंदर, ठीक है, और लाइक एल्गी वगैरह तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कवक अपना खाना कभी खुद नहीं बनाता, वो तो शैवाल से लेता है, और आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऐसा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस इन लीव्स अकर थ्रू, ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, मतलब तू गैस ले मेरे से तू गैस देगी, लेना देना जो होता है वो कैसे होता है, राधे राधे जल्दी से शेयर कर दो, राधे राधे भाई, राधे राधे, सारे बच्चे सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज मैं मेकअप नहीं किया, नहीं नहीं बेटा वो मेडिसिन का असर है आंखों पे, इसलिए सूज रही है मेरी, ठीक है। स्टोमेटा, बच्चों स्टोमेटा इज द राइट आंसर, ठीक है रंध्र, बच्चे जैसे सपोज करो, पहली बात तो मैं मेकअप ही नहीं करती हूँ, आई डोंट यूज मेकअप, क्योंकि उसके बाद जो चेहरा फपूंद के आता है ना वो अपना नेचुरली ठीक है, भगवान ने जो दिया है वो बदल तो जाएगा नहीं, तो इसलिए नेचुरली चेहरा ठीक है। देखो बच्चों ये आप लोगों का जो है ये पत्तियां है, ठीक है, अब ये जो पत्तियां है बच्चों, इस पत्तियों में क्या होते हैं छिद्र होते हैं, ये जो पत्तियों में क्या होते हैं छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये जो छिद्र होते हैं ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और O2 को अंदर लेते हैं, और इन्हीं छिद्रों से इसका रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। बच्चों जैसे इंसानों के अंदर फेफड़े होते हैं गैस का एक्सचेंज करने के लिए, गैस लेने और देने के लिए, इसी तरह से पेड़ पौधों में स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे फेफड़ों को फुलाने के लिए और बंद करने के लिए नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है, नीचे एक ऐसे डायफ्राम होता है, इसी तरह से इनमें गार्ड सेल होती है खोलने के लिए और ओपन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, पर्ल इज मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, पर्ल जिसको आप लोग कई बार सच्चा मोती कहते हो, तो सच्चा मोती जो होता है एग्जैक्टली किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, जल्दी से बताइए पर्ल जो होता है उसका मुख्य रूप क्या है, पर्ल का मुख्य रूप क्या है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, पर्ल का मुख्य रूप क्या है। अरे अरे मुन्ना एक चीज बताओ, सारे बच्चे पहली बात तो सेशन को लाइक भी करो, सेशन को शेयर भी करो, ठीक है, सेशन को लाइक भी करो, सेशन को शेयर भी करो, क्यों सेशन को लाइक और शेयर नहीं करते हो, तो फिर ऐसा समझ में आता है कि अरे भाई आप तो मेहनत कर रहे हो, मतलब हम तो मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन आप जो है उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है बच्चों। पर्ल जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है, कैल्शियम सल्फेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। तो सबसे पहली बात आप सभी को पता है, पर्ल जो होता है बच्चों वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। अब कैल्शियम सल्फेट के बारे में तो आप जानते ही हैं, कहते हैं मैडम नहीं जानते, तो मैंने बोला अरे याद करो कैल्शियम सल्फेट के बारे में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3 से बना होता है आप लोगों का पर्ल। किससे बना होता है बेटा, CaCO3 से बना होता है आप लोगों का पर्ल, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कहती बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है चिकन पॉक्स इज कॉज बाय, ये भैया जो चेचक वाली बीमारी होती है, चेचक वो तो छोटी होती है, चिकन पॉक्स जो होती है, माता जो होती है, ये बीमारी कैसे पैदा होती है, जल्दी से बताइएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मौका मिल सकता है मेरा सीटेट इस बार क्लियर है, एक्चुअली मैं क्या है कि अभी हम साइंस ही पढ़ा रहे हैं और मैं ही पढ़ाऊंगी अभी अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो वायरस है, वायरस इसका राइट आंसर है। क्यों है मेरे बच्चों, चिकन पॉक्स याद है बचपन में ऐसे ऐसे फोड़े निकल जाते थे पूरे उस पर, ठीक है। तो चिकन पॉक्स में क्या होता है, पूरे शरीर पे दाने निकल जाते हैं, खुजली बहुत होती है भाई, मेरे को तो हुई है, ठीक है, और ये निकलते ही है ज़्यादातर, बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों को चिकन पॉक्स होता ही है, ठीक है। तो वायरस से होने वाली बीमारियाँ, अब कई बार उसके वायरस का नाम पूछ ले भाई, चिकन पॉक्स से होने वाला वायरस कौन सा है, ठीक है। तो विषाणु से होने वाली बीमारी, और विषाणु का नाम है वेरियोसेला, वेरियोसेला वायरस से होने वाला क्या होता है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है, वेरियोसेला वायरस से चिकन पॉक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है नेम द वायरस ऑफ एड्स, ठीक है। एड्स किससे होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता बेटा, वो निकेश जो रूट्स होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप की रूट्स के लिए नाम दिया गया है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, देखो इसका नाम तो पता होना चाहिए, ये तो बहुत आसान है। आपको पता है एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का, और वैसे भी एड्स नहीं होता, ये होता है HIV AIDS। HIV AIDS का मतलब क्या होता है, HIV AIDS का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है रेट्रोवायरस जो होता है आप लोगों का, वो वायरस होता है, किसका वायरस होता है, एड्स का वायरस होता है। और इसका अगर आप लोगों से जो टेस्ट है वो पूछने लग जाए टेस्ट कौन सा होता है, तो बच्चों टेस्ट जो होता है वो होता है आपका एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट से ये पता लग जाता है किसी इंसान को एड्स है कि नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो कम से कम 2.5 से लेकर 3 साल शरीर के अंदर रहेगी लेकिन पता नहीं चलेगा, क्योंकि वायरस ना, मैंने बताया ना, किसी के शरीर के अंदर घुस के एज अ होस्ट काम करता है, ठीक है, मतलब होस्ट चाहिए उसको, बस शरीर में घुसना है। चलिए, विच एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में किस एसिड का, किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बताइए फोटोग्राफी में बेटा किस एसिड का, किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। वायरस का नाम है रेट्रो, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करें। मैं कहाँ से पढ़ाती हूँ बेटा, मैं मुखर्जी नगर से पढ़ाती हूँ, मैं मुखर्जी नगर से लाइव रहती हूँ, ठीक है बच्चे। इसका जो राइट आंसर है सिट्रिक एसिड है। देखिए ऑक्स फॉर्मिक हो गया, ऑक्सलिक हो गया, सिट्रिक हो गया, एसिडिक हो गया। आप सभी को पता है कि फॉर्मिक एसिड तो चींटी में पाया जाता है, आंट में पाया जाता है। ऑक्सलिक एसिड के इससे क्या बनती है, पथरी बनती है, स्टोन बनता है। सिट्रिक जो होता है खट्टे फल में पाया जाता है। एसिडिक जो होता है वो विनेगर में पाया जाता है, सिरका। ये तो हो गया खाने वाली बात, अब आ गई फोटोग्राफी वाली बात। तो फोटोग्राफी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, फोटोग्राफी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फोटोग्राफी का मतलब जो फोटोग्राफी के लिए हम लोग एसिड यूज करते हैं, एक लिक्विड जो यूज करते हैं हम लोग, वो करते हैं सिट्रिक एसिड।
आप जो सिल्वर ब्रोमाइड बोल रहे हो, बहुत सारे बच्चों ने बोला सिल्वर ब्रोमाइड, आपको याद है बचपन में एक फिल्म होती थी, आपको याद है बचपन में एक फिल्म होती थी, सपोज करो ये किसी बंदे की फिल्म है, ठीक है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक फिल्म होती थी, ठीक है, ये जो फिल्म होती थी, ये फिल्म किसकी बनती थी, ये बनती थी सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर ब्रोमाइड की, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट में एक्सपोज हो जाता था, फैल जाता था, ठीक है। सपोज करो कि एक फिल्म है और मैं उसको ऐसे धूप में यूं करूं तो वो जो पिक्चर है वो फैल जाएगी, सिल्वर ब्रोमाइड का, क्लियर है, कहती बात समझ में आई। 7 बजे वाली क्लास हमने हटा दी है क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस काफ़ी हो जाता था, एक रेस्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा था, और बैक टू बैक क्लासेस जो हो रही थी तो दो ही क्लासेस रखी गई और दो क्लासेस आपकी कभी ऑफ नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी ऐसी है जो नेचुरल डाई है, ठीक है, ये सारी की सारी बेटा आपकी डाई है, ये सारे चारों की चारों ही आपकी डाई है, लेकिन इसमें से नेचुरल डाई कौन सी है, जल्दी से बताइए, क्रिस्टल या एनालाइन या एल्जेरिन या फिर फेनल ऑफ थैलीन, जल्दी से बताइए इसकी नेचुरल डाई कौन सी है। छोड़ देना साई कृष्णा, अगर मैं देख लूंगी तो मैं जरूर आंसर दे दूंगी। सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करें, आज तो मेरे से ही गलती हो गई, आज तो मैंने ही लेट क्लास शुरू करी। बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेमस्टोन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मणि पत्थर नहीं है, कैटाइट, टोपाज, ओपाल या पर्ल, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा एक मणि पत्थर नहीं है। सारे बच्चे सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करें, इनमें से बेटा कौन सा मणि पत्थर नहीं है। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एक मणि पत्थर है, पर साइंस नहीं मानती कि एक मणि पत्थर है, जल्दी से बताइएगा, साइंस नहीं मानती कि वो एक मणि पत्थर है। देखो बच्चों, कैट आई जो होता है ना, कैट आई, अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं, बिल्ली की आंख ऐसा कुछ होता है, कैट आई बोलते हैं, वैसे तो बिल्ली की आंख हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया, इसको कैट आई बोलते हैं, कैट आई नाम का एक पत्थर होता है जिसको साइंस नहीं मानती कि वो एक पत्थर होता है। आपको याद है जैसे बच्चा तेरा भला होगा ये वाली पहन ले, अब तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, इसकी सरकारी नौकरी में अड़चन आ रही है तो आप इसे सफेद कलर का मोती पहना दीजिए, एक इसकी ना अभी क्या है कि ये पढ़ तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन इसका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, पंडित ऐसी ऐसी बात बताते हैं भाई साहब, मतलब नंबर वन सेल्समैन अगर कोई है ना पंडित है भाई साहब, मम्मी आ गई आपकी और आपकी मम्मी ने कहा भाई इसकी पत्नी क्या दिक्कत हो रही, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो पहले तो ये 10 तरह के तो उपाय बता देंगे, अपनी दक्षिणा बता देंगे कि भाई इस पूजा को मैं ही करूँगा, फिर अंगूठी बता देंगे, ठीक है। अरे कुछ नहीं होता भाई, कभी एक चीज़ बताओ, जितने भी फॉरनर्स होते हैं, ठीक है, या जितने भी आपने रिच पर्सन देखे हैं, कभी उनके हाथ में अंगूठी देखी है नहीं, अभी किसी किसी के हाथ में मिल जाती है, अभी जैसे अमिताभ बच्चन जो है वो नीलम पहनते हैं, ठीक है, तो हो जाता है भाई, कोई 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 पहनता है, कोई कोई नहीं पहनता, ठीक है, लेकिन आप कभी भी देखना जितने भी फॉरनर्स होंगे उसमें आपको किसी को एक को भी अंगूठी पहनते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये इतना भ्रम है कि अंगूठी पहनेंगे तो अच्छा। मैं आपको सिंपल बोलती हूँ, कभी मुस्लिम, कभी क्रिश्चियन और जो पंजाबीज होते हैं, सिख जो होते हैं, कभी आप उनको अंगूठी पहनते हुए देखते हो, नहीं देखते, हमारे हिंदू में इतना भ्रम है कि ये अंगूठी पहन लो तो ये हो जाएगा, ये अंगूठी पहन लो तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो कुछ मेहनत से होगा वही होगा और जो भगवान ने लिख रखा है वही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास, बच्चों सपोज करो ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कैसा ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अब इसे हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्या देना है, रंग देना है, तो हमें ग्लास के साथ ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिससे हमें कौन सा रंग मिल जाए, ग्लास में नीला रंग मिल जाए, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन का आंसर बताया नहीं, ठीक है, 12वां क्वेश्चन नहीं बताया, चलो पहले ये वाला बता देते हैं फिर 12वें पे एक बार देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन पे देख लेते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो बच्चे निकल ऑक्साइड बोल रहे हैं, फेरस बोल रहे हैं, गलत है बच्चों। अगर आप कोबाल्ट ऑक्साइड को किसी ग्लास के साथ मिलाते हो तो वो आप लोगों को ब्लू कलर देगा, तो वो आप लोगों को क्या देगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है। चलिए अब एक बच्चे बोल रहे हैं कि 12वां क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं बताया, 12वां क्वेश्चन देखती हूँ,
अच्छा एलिजरीन, एलिजरीन जो है डाई, बेटा एलिजरीन जो डाई होती है वो नेचुरल डाई होती है, कभी कभी धोखा हो जाता है ऐसा। एलिजरीन जो डाई होती है वो नेचुरल डाई होती है, जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है, इसमें मैंने टिक नहीं लगाया। एलिजरीन डाई जो होती है वो नेचुरल डाई होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जाता है, डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ एंड यूटेंटाइल कंटेन। बच्चे जो हम लोग डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रेट पाया जाता है, बाइकार्बोनेट पाया जाता है, सल्फोनेट पाया जाता है, या फिर आप लोगों का बिस्मिथ पाया जाता है? जल्द से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जो बच्चे आर्ट्स के होते हैं, अगर उन्हें साइंस समझने में तकलीफ हो रही है तो पहले आप रात के 10 बजे वाले सेशन को कंप्लीट करिए। भाई देख राज बजाज आ गए ना यहाँ पे हिंदू हिंदू करने के लिए। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भी हिंदू हूं। मैंने एक बात बताई है कि हम लोग भ्रम में ज्यादा जीने लग गए हैं, ठीक है। और ये भ्रम में हम नहीं, कोई भी हो, चलो यार कोई भी धर्म का है, अंगूठी पहन लेंगे तो ये हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब था। नहीं समझोगे, खुद अंगूठी पहन रखी होगी ना, कुछ नहीं होता। वो 10-15 हजार रुपए की या 20 हजार रुपए की या 25-25 हजार रुपए की अंगूठी बना के पागल बना देते हैं, और गए 25 हजार रुपए पानी में, कितनी मेहनत से कमाया जाता है वो पैसा। बच्चों सल्फोनेट इसका राइट आंसर है। बच्चों सल्फोनेट जो होता है वो सल्फोनेट एक आपके डिटर्जेंट में जो मिलाया जाता है बच्चों, वो मिलाया जाता है सल्फोनेट। क्या मिलाया जाता है? सल्फोनेट आपके डिटर्जेंट में मिलाया जाता है, ठीक है, सल्फोनेट मिलाया जाता है। यानी आर तो आप लोगों का जो भी डिटर्जेंट का ग्रुप होगा उसमें SO3 मिलाया जाता है, सल्फोनेट मिलाया जाता है आपके डिटर्जेंट में, ताकि आपका जो डिटर्जेंट मतलब जब पानी के अंदर गिरे तो हार्ड वाटर भी ठोस पानी भी नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, हीट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ ग्लास इज, ग्लास का प्रतिरोधी किस्म क्या है? जल से बताइए ग्लास किस प्रकार का होता है? पारस ग्लास होता है, हार्ड ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, कौन सा ग्लास होता है? फटाफट से बताइएगा, जल से बताइएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना पिछले साल, तो लोगों ने कोरोना से बचने के लिए भी अंगूठी बता दी थी, मतलब कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो साइंस को भी फेल करते हैं, ठीक है। जल से बताइए, और एक आधा बच गया हो तो बता देना। बताओ बेटा, एक बच्चे ना हमारा एक डाउट है, कोविशील्ड के ऊपर कुछ डाउट था, स्कैल्प सिस्टम की कर देते हैं। जैसे बताइए, देखिए इसका जो राइट आंसर क्या है बच्चों, फ्लिंट ग्लास है, पारिस ग्लास है, कौन सा ग्लास है? जल्दी से बताइए इसका फटाफट से आंसर क्या है, फ्लिंट ग्लास है, पारिस ग्लास है, कौन सा ग्लास है? देखिए जो ग्लास हीट रेजिस्टेंस है, यानी ये सारे ग्लास है, लेकिन ऐसा ग्लास जो हीट का रेजिस्टेंस कर सके, यानी जो हीट आए, ठीक है, उसका विरोध कर सके, गर्म ना हो बहुत ज्यादा हीट। आपको पता है, सपोज करो आप धूप आ रही है और आप ऐसे ग्लास रख दो तो जो हीट होती है वो डबल हो जाती है, जो हीट होती है वो डबल हो जाती है। आप कभी भी देखना, जब आप गाड़ी में बैठते हो तो ऐसा लगता है आग सी लग गई, और जबकि आप किसी कमरे के अंदर जाओ, बंद कमरे के अंदर जाओ, तो इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि ग्लास को, ग्लास जो है ना हीट को डबल कर देती है बिल्कुल। तो हीट रेजिस्टेंस ग्लास जो होता है वो आप लोगों का पारस ग्लास होता है। पारस ग्लास जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करने नहीं देता, उल्टा रिफ्लेक्ट कर देता है, पारस ग्लास। चलिए पारस ग्लास जो होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है, पारस ग्लास जो हम लोग लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। या आप लोगों को मैं बता दूं, जो आप लोग माइक्रोवेव में इस्तेमाल करते हो बर्तन, वो भी इसी ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ बिटवीन 6.5 to 7.5, मेक द सॉइल। अगर किसी का पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 7.5 तक है, तो इसका मतलब वो जो मिट्टी होगी वो किस प्रकार की होगी। अब देखो यहाँ दुविधा है, यहाँ दुविधा इसलिए है कि मिट्टी जो है वो एसिडिक भी हो सकती है और मिट्टी जो है वो बेसिक भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं कमल जी, ले लो, साइड इफेक्ट सबको है, थोड़े बहुत जैसे हल्का फुल्का बिखार, बुखार, खांसी, हाथ में दर्द, इट्स नॉर्मल। चलिए अब आगे बताइए इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट से बताइए। जैसे बताइए, देखिए पहली बात तो आप लोगों को बताती हूँ, इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि अगर 6.5 है तो एसिड है और 7.5 है तो बेस है,
तो अगर सॉइल की मैं बात करूं, मिट्टी की बात करूं, तो लगभग 6.5 जो होती है इसकी पीएच वैल्यू होती है, और वो हल्का सा एसिडिक होता है। अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि मिट्टी फिर उपजाऊ नहीं रहेगी। इसलिए इसका राइट आंसर है डी, ना तो ये एसिडिक है ना बेसिक है। कैसे बता दोगे भाई 6.5 तक तो क्या होता है, एसिड होता है। जैसे आप 6.5 से पहुँचोगे 6.8, 7, 7.1, 2 और 7.5 पे पहुँचोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, सीधी सी बात है वो ना तो एसिड ही रहेगा ना बेस ही रहेगा, तो एसिड और बेस दोनों आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन एंड टीथ इज, हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है। या मैं आपको कहूं कि हड्डियों और दांतों में मतलब जो केमिकल होता है सॉल्ट वो क्या होता है, फटाफट से बताइएगा। ऋतिक उसको शाम को मैंने बता दिया था, चल जाएगा, मैं गुस्से में नहीं हुआ, मेरे तो दिमाग पे मेडिसिन का असर काफी हो रखा है, मेरे तो अभी आंखें भी ऐसे नहीं खुल रही हैं। कोविशील्ड, एक बच्चे ने पूछा मैम मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, एक कोविशील्ड लगा हुआ लड़का कोवैक्सीन लगा से शादी कर सकता है क्या। मैम मेरा डाउट क्या किया है, क्या कोविशील्ड लगा हुआ लड़का कोवैक्सीन लगी हुई लड़की से शादी कर सकता है क्या, क्या गजब है। हाँ एड्स हो जाएगा ना अगर शादी कर लेगा तो। कितने महान लोग हैं हमारी क्लास में। एक बच्चा कह रहा है कि कोवैक्सीन लगा हुआ लड़का कोविशील्ड वाली वैक्सीन लगी हुई लड़की से शादी कर सकता है, नहीं शादी कर लेगा तो एड्स हो जाएगा, है ना, ऐसा ही बोला होगा किसी ने। अरे भाई साहब कहां से लाते हो ऐसा दिमाग। बच्चों आप सभी को बताए इसका राइट आंसर कैल्शियम फोस्फेट होगा, और कैल्शियम फोस्फेट इसलिए होगा क्योंकि कैल्शियम प्लस फोस्फोरस इज इक्वल टू कैल्शियम फोस्फेट। हाँ आप ये कह सकते हो कि कोवैक्सीन वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस निकाली गई है, मैं कल देख रही थी कोवैक्सीन वालों के लिए, लेकिन शादी कर सकता है, ठीक है। इफ लाइव वाटर कैप्ट इन एयर इट टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यदि चूने के पानी को हवा में रखा जाए तो वह की डैश उपस्थिति के कारण दूधिया हो जाता है। चूना पानी को अगर आप लोग किस में रखा जाते हो, हवा में रख देते हो, तो किसकी प्रेजेंस की वजह से, चूना पानी का मतलब CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको अगर आप किस में रख देते हो, किसी हवा, कौन सी हवा की प्रेजेंस में रख देते हो, तो ये दूधिया रंग का हो जाता है। एक बच्चा बोल रहा है कैल्शियम ट्राइफोस्फेट, बहुत बढ़िया, गजब एग्जाम, मतलब गजब, मतलब है ही नहीं आंसर। बच्चों अगर आप CO2 के प्रेजेंस में, आपको याद है नहीं याद है, बचपन का एक्सपेरिमेंट है छठी क्लास का, उसमें कहा जाता है कि एक ट्यूब के अंदर CaO है और इसके अंदर CO2 गैस को पास कर दो तो जो रंग आएगा वो दूधिया रंग आएगा, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मैं रोज 9 बजे आती हूँ सुबह और रात के 10 बजे आती हूँ, दो टाइम मेरी क्लासेस होती है। साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को PDF मिलेगी। अगला क्वेश्चन, बच्चों ब्राइन रेफर टू, ब्राइन का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। ब्राइन जो होता है वो क्या होता है, फटाफट से बताइए, ब्राइन जो होता है वो क्या होता है, पढ़ा देंगे महेंद्र जी, ब्राइन क्या होता है बेटा, नहीं पूजा जी, ब्राइन क्या होता है, 7 PM वाली हमने हटा दी है, हम जो भी थ्योरी क्लासेस है वो अपनी रात के 10 बजे ही पढ़ाएंगे। बच्चों ब्राइन जो है ना वो एक सॉल्ट वाटर के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। अगर पानी नमकीन है, पानी खारा है, तो हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे ब्राइन, द वॉटर इज ब्राइन, यानी जो पानी है वो खारा है,
ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, आप सभी को अपनी माँ की कसम, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप ही बताओगे। सुनो मेरी बात, गूगल नहीं करोगे, मुझे भी अपनी माँ की कसम, गूगल नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चन है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड किसे कहते हैं? जैसे बताइए, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड किसे कहते हैं? चैलेंजर ले लेंगे, प्रेग्नेंट मेल को वैक्सीन ले सकता है क्या? क्या बात है, आदमी बच्चे पैदा करने लग गए, ये तो मुझे आज ही पता चला। फिर बोलोगे कर सकते हैं मैम, उसके लिए आप लोगों से एक्सचेंज करना पड़ता है अगर बच्चे पैदा करना है तो। ये प्रतिभा सिर्फ महिलाओं के पास ही है, क्योंकि महिलाओं के पास यूट्रस होता है। मैं पानी को ही तो डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, H2O, डाइहाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ऑक्साइड। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पानी को ही तो डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ध्यान 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 कहाँ है? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, और सेशन को लाइक शेयर, और नए बच्चे सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जिन बच्चों का सही है बहुत अच्छा है, अभी गूगल करते तो पता लग जाता, मैंने जानबूझ के नहीं बढ़ाया, और जानबूझ के मैंने बताया कि भाई नहीं, आप गूगल नहीं करोगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? नंबर वन पहला क्वेश्चन कहता है, मैम कोवैक्सीन वाला कोविशील्ड से शादी, कोविशील्ड वाली लड़की से शादी कर सकता है क्या? नहीं नहीं, एड्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैम कोवैक्सीन लगवाने वाला इंसान यानी लड़का बच्चे पैदा कर सकता है? नसबंदी कर दी तुम्हारी, ए भगवान यार, तुम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ाई पे ध्यान लगा लिया करो। कुछ नहीं होता, ये टाइप करते हैं मैसेज और फिर ऐसे खुश होते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े साइंस है, ये नहीं पता कि तुम्हारी मजाक उड़ाई जा रही है, सबसे बड़े बेवकूफी तुम हो। बेटा तू पैदा कर लेना कोवैक्सीन लगवा के, बच्चा हो जाएगा तेरा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं जल्दी। क्या क्वेश्चन है, ठीक है, आइए। सारे नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। सुबह 9 बजे मैं आप लोगों को मिलती हूँ, और रात के 10 बजे आप लोगों की थ्योरी है। आज मैं पढ़ाऊंगी कि फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन क्यों होता है, या आप सिगरेट पीते हो तो तार क्यों जमता है, और जो लंग्स होते हैं वो किस तरह से रेस्पायर करते हैं, किस तरह से श्वसन होता है। जितने नए बच्चे हैं सारे